और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर 7 वर्षीय मासूम की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। बच्चे की कमरे में बंद कर चाकू से गोद कर हत्या की गई है। बता दें यह पूरा मामला आजाद नगर इलाके का है। घटना के बाद आक्रोशित रहवासियों ने थाने का घेराव किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर के आजाद नगर से, जहां पर 7 वर्षीय बच्ची की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें यह पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर का है। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वहां के लोगों ने मांग की है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश शर्मा से। बताइए सतीश, क्या है पूरा मामला? जी, इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र का मामला है ये, जहां 7 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त यहां पर आजाद नगर में काफी लोग जमा हो गए हैं इस हत्या के विरोध में। थाने का भी घेराव करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, काफी लोग जमा हुए हैं। बता दूं कि 7 साल की बच्ची जिसका नाम माही था, उसे सद्दाम नाम के एक आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि जो आरोपी सद्दाम है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आजाद नगर क्षेत्र के गणेश चौक इलाके में यह वारदात आज हुई है, जहां जानकारी मिली है कि वाटर पंप मैदान में इस वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया है। मृतिका के माता पिता का पहले ही देहांत हो गया है। जानकारी के अनुसार वह अपने मामा के साथ घर में रहती थी। आज हुई वारदात के बाद लोग काफी आक्रोशित है। 7 साल की बच्ची है जिसकी हत्या हुई है, खून में लथपथ मिला है, उसका शव मिला है। वहीं लोग काफी आक्रोशित है। हालांकि जो आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी सतीश जी, निर्ममता से 7 वर्षीय बच्चे की हत्या की गई है, हत्या के पीछे किन कारणों का अंदेशा लगाया जा रहा है? जी जैसा कि अभी हत्या का पता ही चला है, पुलिस जांच में जुटी है, काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है मानसिक रूप से विक्षिप्त, लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस कारण से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जैसा आपने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो ऐसे में आरोपी बाहर घूम रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही कही जा सकती है। जी इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि जो छानबीन में अभी जो प्रथम दृष्टिया जो सामने आया है उसमें लग रहा है कि आरोपी बाकायदा जो जिस लड़की की हत्या हुई थी उसे लेके गया, एक कमरे में लेके गया, कमरे का दरवाजा बंद किया। जो मकान था, मकान मालकिन ने बताया है कि लड़का उसे लड़की को कमरे में लेके गया, उसके बाद में दरवाजा उसने बंद कर दिया, जहां कई लोगों ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच में कुछ लोगों पुलिस को लेके आए और पुलिस ने फिर दरवाजा तोड़ा और बच्ची को और जो आरोपी था उन्हें बाहर निकाला, जहां दोनों ही खून में लथपथ पाए गए थे, ऐसी जानकारी लगी है। सतीश जी, ये घटना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, और कहीं न कहीं इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल होगा और काफी आक्रोश भी होगा। जी निश्चित तौर पर घटना काफी निंदनीय है और 7 साल की बच्ची की हत्या हुई है, शहर काफी आक्रोशित है। जो भी सुन रहा है कहीं ना कहीं आक्रोश बनता है इसको लेकर, और घटना की निंदा भी हो रही है, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। अभी प्रथम दृष्टिया सिर्फ यही पता लगा है कि आरोपी जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन जांच के बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी सतीश जी, सतीश, आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस मामले में क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर अभी जो घटनाक्रम हुआ है और घटनाक्रम जो सामने आया है उसमें पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। अभी जांच का विषय है कि क्यों, कैसे उसने घटना को अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, या इस घटना के पीछे और कोई उद्देश्य या और कोई लोगों का तो हाथ नहीं है। ऐसे तमाम बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है और जो भी कदम होगा, पुलिस जो भी जानकारी देगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ कहा है? पुलिस का फिलहाल इतना ही कहना है कि बच्ची की जो हत्या हुई है उसमें जांच जारी है, जल्दी ही खुलासा हो जाएगा कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या उद्देश्य था और क्यों हुआ ये घटनाक्रम। सतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे।